हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? होप कि आप सब अच्छे हैं। मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए बात करते हैं आज के क्रंच के बारे में। अभी मैं क्रंच करने वाली हूँ वाइट कलर का बार। देखिए ये बार कितना थिक है, मतलब एक एक जो ये लेयर निकला है एक एक ही पूरा बार जैसा है, लेकिन ये पूरा का पूरा एक सिंगल बार है। ठीक है, बहुत ही थिक बार है ये, हार्ड भी लग रहा है, क्रंची है। वैसे भी मुझे क्रंच करने में तो क्रंची अच्छा लगता है। देखते हैं ये बार कैसा है। ठीक है, देखिए एक बारी कितना ठीक है। पता नहीं मैं इसको फटाफट से क्रंच पाऊंगी या नहीं, कर पाऊंगी या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का क्रंच। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें से और एक लेयर निकल गया, वाओ। ऊपर क्रंच,
स्टिक हो गया था ऊपर, निकल नहीं रहा था, उसको निकाला मैंने। पहले का तो एक लिए मैंने बहुत फास्ट क्रंच किया, इसको मैं स्लो स्लो करूँगी, इंजॉय कर करके खाऊंगी।
मेरा आज का क्रंच कंप्लीट हुआ। बहुत ही क्रंची बार था लेकिन बहुत पाउडरी था। मुंह में भरो ना, पूरा मुंह पाउडर पाउडर भर के मुंह सूख रहा था। जब मुंह का पानी मिक्स होकर वो घुल रहा है तो फिर स्टिकी हो जा रहा है, चारों तरफ स्टिकी हो जा रहा था, इसलिए क्रंच करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। बाकी का नहीं तो आइटम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी अर्दी और क्रंची भी था। लास्ट का पोर्शन थोड़ा हार्ड निकला, थोड़ा हार्ड हुआ, हार्ड डग बाइट करने में, नहीं तो बाकी का बार बहुत यम्मी था। ठीक है, और बहुत ज़्यादा पाउडरी भी था आज का। ये बार पूरा चिपक गया था मेरे मुंह में, जरा अभी भी चिपका हुआ, चारों तरफ लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप लोग आज का वीडियो वॉच कीजिए, आप लोगों को कैसा लग रहा लगा देखिए, बताइए, इंजॉय कीजिए। ठीक है, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा और किस तरह का वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं, वो भी ज़रूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।